नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक साथियों की विभिन्न मांगों को लेकर डीपीआई ने जारी किए एक महत्वपूर्ण पत्र के बारे में, जो कि शिक्षकों के जो संगठन है उनके प्रतिनिधियों के लिए जारी किया गया है। जो कुछ भी सवाल शिक्षक संगठनों ने किए थे उनके जवाब डीपीआई से प्रस्तुत किए गए हैं और काफी महत्वपूर्ण पत्र है और इसमें काफी कुछ जानकारी शिक्षक साथियों को मिलने वाली है। पत्र आप हमारी साइड में देख ही रहे होंगे, लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल, प्रांत अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक संघ शिवाजी नगर भोपाल और प्रदेश महामंत्री मध्य प्रदेश शिक्षक संघ शिवाजी नगर भोपाल के लिए यह पत्र जारी किया गया है। पत्र में शिक्षक साथियों की जितनी भी विभिन्न मांगे थी उनके संदर्भ में डीपीआई ने अपनी तरफ से जो स्थिति है वह स्पष्ट कर दी है। यदि हम इसमें सबसे पहले ही देखें तो सबसे पहला बिंदु इसमें जो कि नवीन शैक्षिक संवर्ग से संबंधित है, नवीन सम्मेलन शिक्षक संवर्ग को वरिष्ठता एवं क्रमोन्नति विषयक चर्चा, इस पर डीपीआई ने कहा है वरिष्ठता सूची तैयार करने की प्रक्रिया प्रचलित है। नवीन संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों को क्रमोन्नत वेतनमान या समय वेतनमान प्रदान करने संबंधी नस्ती शासन स्तर पर प्रचलित है, यानी कि इसकी जो नस्ती बनाकर है वह शासन स्तर पर भेज दी गई है और जल्दी इस पर कोई निर्णय हो सकता है। उसी क्रम में यदि हम देखें नवीन शिक्षक संवर्ग को एनपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू करने के संबंध में, यह इन बिंदुओं पर जो मध्य प्रदेश शिक्षक संघ उसने जानकारी मांगी थी तो डीपीआई ने जो जवाब प्रस्तुत किया उन्होंने लिखा है कि यह बिंदु शासन से संबंधित है और शासन ही इस पर निर्णय लेगा। पात्रताधारी गुरुजियों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का निर्धारण होगा या नहीं, यह मांग, ये जो सवाल है वह मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने किया था। उसके जवाब में डीपीआई ने स्पष्ट तौर पर यहाँ पर जो अपना जवाब प्रस्तुत किया है, गुरुजियों को गुरुजी के पद पर नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देने का प्रावधान नहीं है। ये अपने आप में एक काफी बड़ा पॉइंट है, क्योंकि लगातार जो गुरुजी शिक्षक साथी हैं वह नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का मुद्दा उठाते रहे हैं और डीपीआई ने पूरी तरीके से उनकी तरफ से जो जवाब स्पष्ट रूप से आया है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि गुरुजियों को गुरुजी के पद पर नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसे शिक्षक साथियों के लिए यह एक झटका माना जा सकता है। वहीं अगर अगले बिंदु की बात करें तो शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न लिए जाने के संबंध में ये जानकारी चाही गई थी। इसके संदर्भ में डीपीआई ने अपना जवाब प्रस्तुत किया है। इस संबंध में शासन स्तर से आदेश जारी किए गए हैं, केवल जनगणना एवं निर्वाचन कार्य हेतु शिक्षकों से कार्य लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लिए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। तो ये कुछ बिंदु हैं जो मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने डीपीआई से इन पर जानकारी मांगी थी। आगे और भी बहुत सारे बिंदु हैं, इन पर अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तो साथियों, यदि हम बात करें चाहे वह शिक्षकों के एनपीएस का मामला हो या फिर क्रमोन्नति का मामला हो, जिस पर डीपीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि शासन स्तर पर इसकी नस्ती भेजी गई है और जो प्रक्रिया है वह चलन में है। हालांकि एनपीएस और ओपीएस पर जब पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यह मामला शासन स्तर से संबंधित है। साथ ही साथ गुरुजियों को वरिष्ठता संबंधी जो सवाल किया गया था उस पर जो डीपीआई है उन्होंने वरिष्ठता संबंधी नियुक्ति को लेकर साफ इनकार कर दिया है। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु था शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य को लेकर, तो इस पर भी डीपीआई ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि केवल जनगणना एवं निर्वाचन कार्य के अतिरिक्त शिक्षकों से अन्य कोई गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जा सकेगा। तो इस तरीके से पत्र में और भी काफी सारे बिंदु हैं जिनका कि हम अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो होंगे उनका अवलोकन करने वाले हैं और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक समय समय पर पहुंचे इसके लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े और इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।